नमस्कार, मेरा नाम है किसले और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पता है अभी अंदर क्या चल रहा है? अंदर एबीपी का शिखर सम्मेलन चल रहा है जिसमें कि तमाम बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं और अभी मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद रह चुकी स्मृति ईरानी है। तो जैसे ही वो मंच से फ्री होंगी हमारे साथ जुड़ेंगी और फिर तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि भाई अमेठी को लेकर सवाल होंगे कि अमेठी में आप चुनाव क्यों हार गई या फिर अमेठी में आप चुनाव हारने के बाद आप गई कि नहीं गई। सवाल ये भी होंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारी है, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि आने वाला है कुछ समय बाद तो उसमें आपकी क्या भूमिका होने वाली है। तो तमाम सवाल होंगे, तमाम बातचीत होगी उनके साथ। तो आप देखते रहिए एबीपी लाइव। मैम बहुत स्वागत है आपका, कैसा लगा एबीपी के कार्यक्रम में आकर आपको? एबीपी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, आज तो राजनीतिक है, एक ज़माने में मीडिया के माध्यम से रहा करता था। एबीपी जिस प्रकार से सम्मेलनों के माध्यम से एक विशेष रूपरेखा राजनीति में रखने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मुझे उन्हें बधाई देने का मन है। मैम आपके चेहरे पर एक नई ऊर्जा दिख रही है, लोग हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी आगे की बात करता हूँ, दिल्ली में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, चर्चा चल रही है कि आपको बड़ी भूमिका मिलने वाली है, कई लोग आपको भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी देख रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? चर्चे नए नहीं हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं चाहे कहीं भी रहूँ जीवन के पड़ाव में हमेशा चर्चा का केंद्र बिंदु बनी रहती हूँ। एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के लिए ये एक उपलब्धि है और मैं बड़ी विनम्रता से इस उपलब्धि को स्वीकार करती हूँ। अमेठी में मैम चुनाव हो गए हैं तो लोकसभा चुनाव के बाद कभी वहाँ जाने का मौका मिला? चूँकि कई लोग कह रहे हैं कि स्मृति जी नहीं आ रही हैं अमेठी। मेरा वहाँ घर है और मैं वहाँ पे ना सिर्फ लोगों से मिलूँ, यहाँ पर भी उन लोगों को मिलती हूँ, उनके कई कामों में रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव हुए काफ़ी वक्त हो गए तो आपने हार पे मंथन भी कर लिया होगा, एक बड़ी वजह क्या रही कि आप चुनाव हार गई? आप लोग कहते हैं कि आपने कायाकल्प किया अमेठी का, इसके बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि कायाकल्प करने के बाद हारी हूँ, नहीं किया होता तो दोषारोपण करते तो बुरा लगता, मुझे इस बात का गम नहीं है क्योंकि अमेठी में एक इतिहास रहा है कि हर 20 साल बाद वहाँ पर कैंडिडेट नॉन कांग्रेसी आता है। मैं पहली महिला हूँ जो वहाँ से जीती जो गांधी परिवार की नहीं है। ये भी सत्य है कि 2019 में मैंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया और ये भी कोई झुठला नहीं सकता कि 2024 में भी गांधी परिवार वहाँ लड़ने नहीं आया था। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो CGI से उनकी मुलाकात हुई, अब महाराष्ट्र में इसको लेकर बवाल हो गया, संजय राउत कह रहे हैं कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हो गया क्योंकि पार्टी टूट का जो केस है वही सुनवाई कर रहे हैं। देखिए देश के चीफ जस्टिस के ऊपर इस प्रकार के तोहमत लगाना, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे फनी नहीं लगता। हमारे देश की जुडिशरी पर इस प्रकार का आरोप मनना और जे हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनकी पूरी जुडिशियल यात्रा को इस प्रकार से कलंकित करना अशोभनीय है। जहाँ तक कि जजेस का किसी न किसी रिलीजियस फंक्शन में सम्मिलित होने का विषय उठता है, मनमोहन सिंह सरकार में इफ्तार पार्टियों में चीफ जस्टिसेस शामिल होते रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि विपक्ष को दिक्कत किस बात की है कि नरेंद्र मोदी गणेश पूजा के लिए गए थे या हमारे देश के चीफ जस्टिस हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। सात समंदर पार से राहुल गांधी जो है बयानों के बाउंसर छोड़ रहे हैं, कभी रिजर्वेशन पे बात कर रहे हैं, कभी सिख को लेकर बोले, तो वो अपनी मुश्किल बढ़ा रहे हैं या फिर आपके लिए भी कोई चुनौती है? मेरे लिए नहीं है चुनौती, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिनसे हमने कुछ सवाल पूछे दिल्ली विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने वाला उसको लेकर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, अमेठी को लेकर उन्होंने बड़े बेबाकी से इसके जवाब दिए। राहुल गांधी को लेकर भी सवाल पूछा गया, कहा मैंने ये भी पूछा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या इस बात की चर्चा चल रही है कि आप भावी मुख्यमंत्री के तौर पर आपका नाम लिया जा रहा, तो उस पर भी उन्होंने अपने खुलकर अपनी बात रखी। बाकी हमारी बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.